भारती स्वरूप भगवान की। आदर करने योग्य बुजुर्गों, प्यार करने योग्य बच्चों, सीता अनुसुईया जैसी पृथ्वी माँ की गोद में पलने वाली माँ शक्तियों, अब आप लोगों के बीच गौरव चैनल स्टूडियो के द्वारा आप लोगों तक बड़ा ही पावन मार्मिक विषय प्रस्तुत करने जा रहे हैं। रिक्वेस्टर गौरव यादव और सब मैनपुरी के माध्यम से ब्रह्मा के आगे चलकर अत्रि महान हुए, ये अत्रि वंश यतु वंश का, Thank you.
अति हुए और अति मुनि के चंद्रमा हुए, तो जिस समय चंद्रमा सयाने भरे थोड़े, तो अति मुनि ने अपने पुत्र चंद्रमा को पढ़ने के लिए गुरु बृहस्पति के घर भेजा। जिस समय गुरु बृहस्पति के यहां भेजने लगे चंद्रमा को पढ़ने, तो एक दिन श्रोता बंधु काफी दिन तक चंद्रमा जाता रहा गुरु बृहस्पति के घर, लेकिन एक दिन का जिक्र हुआ, आकस्मिक गुरु बृहस्पति को बहुत से महात्मा आए और तीर्थ को निभाए चले गए। जब गुरु ग्रह पढ़ ले गयो चंद्रमा रे, गयो गुरु के ग्रह प्यारे, जब गुरु बृहस्पति के घर में चंद्रमा पढ़ने गया तो बृहस्पति उस समय नहीं थे घर में, और बृहस्पति की पत्नी तारा घर में थी और चंद्रमा को देख करके बहुत पहले से ही चंद्रमा को चाहती थी, लेकिन गुरु के कारण चंद्रमा से कुछ कह नहीं पाई। आज जब अकेली तारा घर में बची और बृहस्पति तीर्थ को चले गए, तो चंद्रमा गया और बोला, बोरी मैया गुरु जी कहां? कहने लगी, गुरु जी तो तीर्थ को चले गए वर्ष। तो गुरु जी तीर्थ को चले गए तो आज मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, रुको। चंद्रमा को तारा ने रोक लिया, और जिस समय रोक लिया मेरे भैया, तो उस समय चंद्रमा ने सोचा हमें पढ़ाएगी, लेकिन कहने लगी आवाज मेरे घर में। जब रात में करीब 11 बजे
है। और ये राम दयाल की तरफ से ये ग्राम बढ़ौली के निवासी और ये सब देवियां जहां अभी कथा इसके पूर्व कार्यक्रम चल रहा था एक दिन पहले, तो वहां से सवाए हुए भक्तगण 101 पत्र मुद्राएं भगवान के चरणों में अर्जित किए। भगवान सदा सदा सुख समृद्धि प्रदान करे एवं भंडार को भरा रखे, सद्बुद्धि प्रदान करे। Come on, boy!
ब्रह्मा जब चंद्रमा और गुरु बृहस्पति दोनों लड़ने लगे, ब्रह्मा जी वहां प्रकट हो गए। अब ब्रह्मा तारा को साइड में ले गए और बोले, पुत्री ये बताओ कि ये किसका पुत्र है। सही बता दिया उसने। बोली, महाराज ये पुत्र तो चंद्रमा का है। तो गुरु ने फैसला कर दिया ब्रह्मा जी ने कि अरे बृहस्पति, जब ये पुत्र चंद्रमा का है तो क्यों दिमाग लगा रहे हो। तो ब्रह्मा जी ने वो पुत्र उठा करके और चंद्रमा को दिलवा दिया। जब चंद्रमा को दिलवा दिया, सुति दीना चंद्रमा ही तब हरि संस्कार विधि की उत्तम लक्षण जान के नाम धरो बुद्ध जी। उस बालक का नाम बुद्ध रखा, बुद्ध, और बुद्ध के पूर्वा आयु नहुष और आगे ययात नाम का पुत्र हुआ। ययात लगते दो, ययात नप के दो रानी थी, एक भी प्रसूता एक असुर की थी। ब्राह्मण शुक्राचार्य की पुत्री विवाही थी, देवयानी नाम था। तो इनसे ये यदु नाम का पुत्र हुआ और इन्हीं यदु के आगे चलकर के त्रिपल पीढ़ी के बाद में मथुरा जी में यदुवंशियों में एक राजा हुए। यदुकुल चला इनके नाम पर, यादव वंश।